दोस्तों, अगर आप जल्द से जल्द अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, आपको भूख नहीं लगती है, आपका शरीर कमजोर है, तो ये वीडियो काफी ध्यान से आप लोग देखेगा। जो जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन सभी को आप लोग अगर आजमाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका वेट बढ़ जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद आप लोग अपनी मसल्स ग्रो कर पाओगे और अपनी बॉडी भी बना पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं अपनी पहली टिप पे। जो मेरी पहली टिप है वो ये है कि आपको अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी होगी। देखिए क्या होता है, अगर आप अपने फूड में फैट की मात्रा बढ़ाते हो तो आपकी बॉडी में भी फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाते हो, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हो, तो यह आपका एक अच्छा वाला जो वेट गेन है वो कराती है। आप कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, बनाना खाते हैं, ये सारी चीजों में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, तो वो आप लोग खाना शुरू कर दो, जो जो फूड्स में बताए हैं, तो आपका वेट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। उसके बाद आते हैं टिप नंबर टू पे, जो कि आप लोगों को बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को भूख नहीं लगती है। देखो, अगर आप लोगों को भूख नहीं लगती है तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। आप लोग जब सुबह उठो तो अगर आप लोग आंवला जूस ले सकते हो या फिर आप लोग आंवला खा सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आंवला जूस क्या करता है, आपका जो भूख है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको जब ज्यादा भूख लगने लगेगी तो आप अपने आप ज्यादा खाओगे और आपका कम समय में ही जल्दी से वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आप लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में नहीं सुना। देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई खाना, कोई भी चीज खाते हैं, तो वो पहले हमारे पेट में डाइजेस्ट होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, उसके बाद उसे हमारा शरीर सोखता है, उसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, और जब तक हमारे शरीर में उस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक हमारा वेट नहीं बढ़ने वाला। अब देखिए, आपको अपने एब्जॉर्प्शन को मजबूत स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इसके लिए एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप अपना एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखिए, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, आप अपने फूड में हाई फाइबर वाली चीजें खाएं, जैसे चना हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, हमारा जो भी बीन्स होते हैं, ये सारी चीजें आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में फाइबर आएगा, अच्छा फाइबर आएगा, तभी आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखें, आपकी ज्यादा तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप तली भुनी चीजें खाते हैं तो आपका डाइजेशन तो खराब होता ही है, साथ में आपका एब्जॉर्प्शन भी खराब होता है। उसके साथ में आपको लेने हैं विटामिन सी वाली चीजें, जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, पालक हो गया, इस टाइप की चीजें आपको खानी है। ये करती क्या है विटामिन सी वाली चीजें, ये हमारे शरीर में जाती है और हमारे जो विलई जो ये पोर्शन है इसको सही करती है, इसको मेंटेन रखती है, ताकि हमारा फूड सही से एब्जॉर्ब हो सके। आप क्या करो, आप जब सुबह उठो तो एक ग्लास हल्का सा गुनगुना पानी लो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के इसको रोज आप पीना शुरू कर दो, और आप देखोगे कि आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। और जब ये एब्जॉर्प्शन आपका अच्छा हो जाएगा तो वैसे ही आपका धीरे धीरे वेट बढ़ने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो की है टेक मोर मील्स। देखिए क्या होता है कि जब हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम एक बार में ज्यादा खाना खाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक बार में ज्यादा खाना खाओगे लेकिन आपकी बॉडी की क्षमता उतनी नहीं है, तो आपने जो एक्स्ट्रा फूड खाया है वो हमारी बॉडी उसको वेस्ट के रूप में निकाल देती है और हमारा वेट नहीं बढ़ पाता है। क्या करना है आपको, आपको एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाना है, मतलब आपको अलग अलग टाइम पे 3 से 4 घंटे के गैप में और कम से कम 4 से 5 बार मील्स लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब आप एक बार में कम कम करके और काफी बार खाना खाओगे तो आपके जो आप खाओगे वो आपके पूरे शरीर को लगेगा, क्योंकि खाना खाना जरूरी नहीं है, आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर में लगना जरूरी है, तभी आपका सही से वेट बढ़ पाएगा। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि एक मैं आपको रेसिपी बताऊंगा या एक मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप अपने फूड को बना के और खा सकते हो, जिससे आपका वेट तेजी से बढ़ता है। आप लोग क्या कर सकते हो, एक ग्लास दूध ले सकते हो, उस दूध में आपको डालने हैं 2 बनाना, ठीक है, उसके साथ में आपको डालना है थोड़ा सा मक्खन, जो हम लोग बटर यूज करते हैं, ये तीनों चीज अगर आप लोग मिला के खाते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको अच्छा फैट भी मिलेगा,
साथ में आप लोग को हाई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो कि आपका वेट बहुत ही कम समय में जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आप लोग सुबह उठो तो मैंने पहले ही बताया कि आप लोग आंवला या आंवला का जूस ले सकते हो थोड़ा सा। उसके 2 घंटे बाद अगर आप लोग जो मैंने ये बताया दूध में केला और थोड़ा सा मक्खन डाल के अगर आप लोग खाते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में केवल 30 दिन के अंदर में आपका वजन काफी बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं अपनी अगली टिप पे जो कि है डू नॉट ईट फास्ट फूड। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि फास्ट फूड खाने से क्या होता है, हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन फास्ट फूड खाने में प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको फैट ज्यादा देता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फास्ट फूड खा के वेट बढ़ा सकते हो लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा के वेट बढ़ाने में, लेकिन अगर आप फास्ट फूड खा के वेट बढ़ाओगे जल्दी तो बढ़ेगा लेकिन वो वेट आपकी बॉडी को डैमेज ज्यादा करेगा। तो ये कोशिश करो कि फास्ट फूड कम खाओ, क्योंकि फास्ट फूड ज्यादा खाने से एक चीज और होती है कि हमारे जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए फास्ट फूड आप लोग ना खाएं तो वही आपके लिए अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएं, जैसे मैंने आपको बताया घर में बनी हुई रोटी और चावल, अगर आप लोग थोड़ी सी मात्रा इन चीजों की बढ़ा देते हैं तो आपका वेट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये टिप्स आप लोग जरूर अपनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपके ऊपर क्या रिजल्ट्स आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।